और मैं हूं पलक और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन में बॉलीवुड की गलियारों में किन किन बातों ने बटोरी है सुर्खियां। सबसे पहले आप बात करते हैं आलिया भट्ट के रिएक्शन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते संजय लीला भंसाली और सलमान खान के बीच डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से इंशाल्लाह बंद हो गई। इसके बाद सबने काफी रिएक्शन दिए, बट आलिया भट्ट ने इस पर चुप्पी साधी हुई थी। अभी आईफा ग्रीन कार्पेट इवेंट्स पर जब इस बारे में आलिया भट्ट से पूछा गया तो उनका कहना था कि कुछ चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है, सब चीजें अगर हम प्लान करके चलते भी हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। Here goes the clip. I was very excited to work with Sanjay Leela Bhansali. Of course, very excited to work with Salman as well. मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाते हैं विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। वैसे कहते हैं अगर भगवान को हंसाना हो तो उनको अपने प्लान्स बता दो। प्लान्स नेवर रियली गो एज पर प्लान, बट आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद संजय लीला भंसाली वेरी सून, होपफुली विद सीता। टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर काफी सुर्खियां बटोर रही है, स्पेशली उसके प्रमोशन टैक्टिक्स की वजह से। अभी रिसेंटली ये खुलासा हुआ है कि राजेश खन्ना और मुमताज का आइकॉनिक नंबर जय जय शिव शंकर पे इन दोनों का एक फेस ऑफ, मतलब डांस फेस ऑफ दिखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों एक फेस ऑफ डांस पर परफॉर्म करते नजर आएंगे, जिसके गाने की डिटेल्स अभी रिलीज नहीं हुई थी, बट अब अगर हम लोग लेटेस्ट सोर्सेस की माने तो इस चीज को कंफर्म कर दिया जा चुका है कि जय जय शिव शंकर पे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन एक फेस ऑफ करते नजर आएंगे, जिसको देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों है ना, क्योंकि ये दोनों ही कितने अमेजिंग डांसर्स हैं। कम होने का नाम ही नहीं ले रही, और दोस्तों हो भी क्यों ना, आखिरकार भाईजान की फिल्म जो ठहरी। अब मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में कौन हीरोइन होने वाली है, इस बारे में बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, महेश मांजरेकर की ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग बेटी साई मांजरेकर से हमारे भाईजान खुद सलमान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया दबंग 3 की हीरोइन के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, आईफा ग्रीन कार्पेट के दौरान सलमान खान एंड साई मांजरेकर वर स्पॉटेड टुगेदर, और इससे उन्होंने ये भी बताया कि वो दबंग 3 में उनकी हीरोइन की तरह रोल प्ले करेंगी। कोई मिल गया क्रिश, क्रिश 2 किश्ती के बाद जो सब लोगों को इंतजार था तो वो था क्रिश 4 का, और अब क्रिश 4 के बारे में खुद ब खुद ऋतिक रोशन ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन ने बताया कि राकेश रोशन की कैंसर की वजह से तबीयत खराब होने की वजह से अभी तक उन्होंने क्रिश 4 पर कोई काम शुरू नहीं किया है, बट वो बहुत जल्द इस पर काम शुरू कर देंगे। अच्छा, जैसे कि स्पेकुलेशंस का दावा था कि क्रिश 4 में डबल रोल, ट्रिपल रोल, मतलब ऋतिक रोशन मल्टीपल रोल्स में दिखाई देंगे, पर अभी इन सारी बातों को झुटलाते हुए ऋतिक रोशन ने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल नॉर्मल फिल्म होने वाली है जिसमें ऋतिक रोशन एक सिंगल रोल में ही दिखाई देंगे। नरसिम्हा रेड्डी हम सबको तो काफी ज्यादा पसंद आ रही है उसके ट्रेलर रिलीज के बाद, बट क्या आप जानते हैं कि इसकी ट्रेलर भाईजान सलमान खान को भी काफी ज्यादा पसंद आया है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रामचरण और सलमान खान काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और रामचरण के पापा यानी चिरंजीवी अपनी अगली फिल्म सियारा नरसिम्हा रेड्डी में अमेजिंग एक्शन करते हुए नजर आए हैं। और अभी इसी ट्रेलर को रीट्वीट करते हुए सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर रामचरण और चिरंजीवी दोनों को ऑल द बेस्ट कहा है और उन्होंने बोला है कि वो इस मूवी के बेस्ट विशेस के लिए प्रे कर रहे हैं। रितेश देशमुख, बॉबी देओल, मतलब इतनी ज्यादा अमेजिंग स्टार कास्ट किस मूवी की है? जी हाँ, बात हो रही है हाउसफुल 4 की। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस साल दिवाली पे 3 मूवी रिलीज हो रही हैं। मेड इन चाइना का तो ट्रेलर रिलीज हो ही चुका है, अब बात करते हैं हाउसफुल 4 के ट्रेलर की। दोस्तों, खबरों का बाजार गर्म है कि हाउसफुल 4 का ट्रेलर 27 सितंबर को एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, बॉलीवुड के बहुत सारे मशहूर सितारे उस इवेंट में मौजूद होंगे और उस ग्रैंड इवेंट में इसका ट्रेलर जब लॉन्च होगा तो ऑडियंस के एक्साइटमेंट देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों है ना? दिवाली 2019 में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, आने वाले हैं खिलाड़ी कुमार और हमारे फेवरेट भाईजान एक साथ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। 2019 दिवाली पे अक्षय कुमार अपनी मूवी हाउसफुल 4 के साथ दस्तक देने वाले हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि भाईजान की फिल्म जो कि 2020 पर मोस्ट प्रोबेबली रिलीज होगी, उसका ट्रेलर यानी दबंग 3 का ट्रेलर और टीजर अटैच किया जाएगा अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 के साथ। तो आए ना ये दोनों एक साथ में। सफलता के बाद ऑडियंस को इंतजार था, तो वो था KGF 2 का। और दोस्तों, फाइनली वो दिन आ ही गया है जब KGF 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब धीरे धीरे उसके कैरेक्टर रिवील हो रहे हैं। आपको बता दूं, KGF 2 में विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं हमारे संजू बाबा। और दोस्तों, संजू बाबा के कैरेक्टर का नाम होने वाला है अधीरा। अभी इनका पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें इनका फर्स्ट लुक सामने आया था एंड ही इज लुकिंग सो फियर्स, मतलब इतने ज्यादा फियर्स लुक में संजू बाबा नजर आ रहे हैं इस पोस्टर में कि अभी KGF को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की कैमरेदारी आपको कैसी लगती है? अगर आपको वो बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों आपके लिए है एक बहुत अच्छी बड़ी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ ने आईफा ग्रीन कार्पेट पे ये बड़ा खुलासा किया है कि वो बहुत जल्द नजर आने वाली है अक्षय कुमार के साथ रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में। No, there's nothing like that. At the moment, the only film which I am doing is Rohit Shetty's third film, and that's Suryavanshi with Akshay Kumar. And that I'm going to be resuming shoot now. We're all resuming shoot on October 1st. Thank you. हर साल ईद पर भाईजान का इंतजार हम सबको होता है, क्यों है ना? दोस्तों, 2020 की ईद पर भी हमने इंतजार तो सलमान खान का था ही। अभी आईफा ग्रीन कार्पेट पे जब हमने इस बारे में सलमान खान से पूछा कि भाईजान, क्या आप अगले साल ईद पर कोई मूवी लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपका इंतजार तो जरूर होगा, तो भाईजान ने खुद ब खुद बताया कि हाँ, वो एक मूवी ईद पर जरूर लेकर आएंगे। Here is what he said. ईद पर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी। अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को, उसके बाद ईद पर भी आएगी। कब?